गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नैन्सीज डिलीशियस फूड में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। विंटर्स में अपना ख्याल बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जल्दी जल्दी हो जाती है। सो अपने बच्चों बड़ों के लिए ये विंटर स्पेशल सूप बना के हम रेगुलरली, एंड हेल्दी भी है बहुत, इसमें बहुत सारे अच्छी अच्छी विटामिंस वाली चीज़ें हैं। तो बीट जैसे बीट रूट, कैरेट, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। टमेटो खाने से हेल्थ भी अच्छी रहती है। सो ज़रूर से इसको विंटर स्पेशल सूप को, टोमेटो सूप को अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल, देखिए इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। अभी मैंने सारी वेजिटेबल्स जो जो टोमेटो सूप में चाहिए सो सारी मैंने वॉश करके रख दी है। अब कटिंग करेंगे। एक मैंने ले लिया है प्याज, चार ले लिए हैं टमाटर, एंड इसमें से पाँच बोल बन के रेडी हो जाएंगे। हमारे जो सूप के बोल होते हैं सो पाँच बन के रेडी हो जाएंगे इतनी क्वांटिटी में से। ये मैंने 10-12 दाना ले लिए हैं काली मिर्च के, एंड ये इतना सा टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक का, जिंजर, एंड ये गार्लिक मैंने 12-15 ये ले लिया है क्लव्स, एंड तेज पत्ता मैंने एक ले लिया है। उसके बाद बीट रूट मैंने आधा कट करके एकदम उसको उसकी स्किन निकाल के वॉश करके रख दिया है। इसके बाद ये कैरेट मैंने स्किन निकाल के धो के रख दी है। अब हम सारी सब्जियों को कट करेंगे बड़े बड़े पीसेस में ऐसे। टमाटर को बिग बिग पीसेस में ऐसे कट कर देंगे, एंड अगर आपके पास कोरिएंडर लीव्स है तो उनको भी ऐड करें। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है सो मैंने ऐड नहीं किए हैं। ऐसे छोटे छोटे ये बड़े बड़े पीसेस में इनको कट करके रखते जाना है सारे टमाटर्स को। अब हमें ये लेना है अनियन, बड़े बड़े पीसेस में अनियन को भी कट करके रख देंगे। ये देखिए ऐसे बड़े बड़े पीसेस में सारी चीज़ों को कट करके मैं बाद में आपके साथ लास्ट लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए सारे वेजेस हमने बड़े बड़े पीसेस में कर दिए हैं कट। अब स्टार्ट करेंगे इसको बनाने के लिए, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने कुकर ले लिया है, कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा 2 स्पून जितना ऑयल एंड थोड़ा सा घी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। फिर हम उसमें ऐड करते जाएंगे सारी चीज़ें। जैसे ही गर्म होगा, फ्लेम कर दी है मैंने ऑन गैस की, इसमें पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये तेज पत्ता, काली मिर्च, उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक एंड जिंजर, और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें अनियन। तो बड़े बड़े पीसेस में हमने सारा ऐड करके रखा है, इसको मिक्स करते रहेंगे। अब 2 मिनट के बाद इसमें मैं ये सारी चीज़ें इसमें सारी वेजिस ऐड कर दूँगी, जैसे गाजर हुई, बीट रूट हुआ, फिर टमेटो, सारी चीज़ें इसमें कर दूँगा ऐड, सारी चीज़ों को कर दूँगी मैं। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट, और इसमें वाटर ऐड करके 1 ग्लास जितना हम इसमें वाटर ऐड करके 2 सीटी आने तक पकने के लिए छोड़ 2 सीटी आएंगे। उसके बाद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखकर गैस को फ्लेम करेंगे हम ऑफ। उसके बाद दिखाते हैं मैं क्या करेंगे। ये देखिए हमारा ये सब्जियां बॉईल होकर रेडी हो गई है। टमेटो भी एकदम गल चुके हैं, 2 सीटियां लगाई है हमने, अच्छी तरह से गल गए। ये जो एक्स्ट्रा पानी है मैं पहले इसे बोल में छान के रख दूंगी। मैंने स्ट्रेनर रख दिया है और ये प्योरी कर दी है सारी, जो टमेटो कैरेट एंड जो भी सारी चीज़ें हैं उनकी प्योरी हो गई है। ये देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा हमारी प्योरी बन के रेडी हो गई है। हमने इसको रख दिया है एक बर्तन में गरम होने, एकदम बॉईल होने को आएगा तब उसमें हम ऐड करते जाएंगे जो जो हमें इसमें ऐड करना है, जैसे ब्लैक पेपर हुआ, सॉल्ट, ये देखो सॉल्ट हमने ऐड कर दिया। फिर हम शुगर हमें ऐड नहीं करनी है, मैंने शुगर ऐड किया। अगर शुगर ऐड नहीं करनी है तो आप गुड़ से भी टोटली आप गुड़ डाल के भी बना सकते हैं। जो शुगर नहीं खाते हैं तो गुड़ ऐड करके भी आप बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे तो 1 स्पून स्लरी इसमें ऐड कर दी है, जैसे थोड़ा सा बाहर रेस्टोरेंट जैसा गाढ़ा गाढ़ा फील आए, तो इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो उसी लिए मैंने कॉर्नफ्लोर की स्लरी ऐड की है, 1/2 स्पून कॉर्नफ्लोर, एंड उसमें मैंने पानी ऐड करके उसको मिक्स करके ये गोल इसमें ऐड कर दिया था। और लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सेंधा नमक, और दूसरा मैंने इसमें मैगी मसाला, टेस्ट के लिए मैगी मसाला मैंने उसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए हमारे सूप के बोल आ गए, हमने इसमें सर्विंग स्टार्ट कर दी। देखिए सर्व कर दिया है,
देखिए कितना मस्त रेड रेड कलर का टमेटो सूप हमारा बन के रेडी हो गया है। ऊपर से हम डेकोरेशन के लिए डालेंगे क्रीम, जैसे रेस्टोरेंट वाला फील घर पे हम ले सकें। ऊपर से हमने ऐड कर दी है क्रीम, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। हमारा सूप मस्त मज़ेदार विंटर स्पेशल सूप बन के रेडी हो गया है। ऊपर से हमने पुदीने की दो दो पत्तियाँ ऊपर से डाल दी है। कितना मस्त मज़ेदार सूप हो, विंटर्स में रोज़ बना के अपने घर में पिए और बच्चों को भी ये हेल्दी सूप ज़रूर से पिलाएं। सो हमारा सूप एकदम से बन के रेडी हो गया है। सो ज़रूर से इसको अपने घर पे ट्राई करें। एंड अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।